से जो है पूछ दिया जाता है। तो दोनों जो है खेती इनका कल्टीवेशन हम आपको बताएंगे। इसके बाद कल से आपकी जो क्लास चलेगी वो अल्टरनेट क्लास होगी, एक दिन जो है पशुपालन पढ़ाया जाएगा और एक दिन जो है इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो दोनों दिन जो है आपको रेगुलर बात करना है, एक दिन पशुपालन का क्लास होगा, एक दिन इंजीनियरिंग का क्लास होगा और इसे यहीं पर रोक देंगे। इसके अब जो है पशुपालन इंजीनियरिंग खत्म कराने के बाद इसके फंडामेंटल और सॉइल साइंस की बात आएगी, तो फिर हम उसके बाद कराएंगे, ठीक है। तो जौ और सूरजमुखी के खेती के पीछे में हम आपको बता रहे थे। देखिए जौ जो है बहुत प्राचीन फसल है, ठीक है, और इसका यूज जो है ऊसर भूमि सुधार में भी बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। अगर बहुत ज्यादा नमक युक्त या लवणी भूमि है तो लवणी भूमि को सुधारने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या एक माध्यम से हम कहें दूसरे माध्यम से कि अगर लवणी मृदा है तो लवणी मृदा में अगर हमें कोई क्रॉप नहीं मिल रही है करने के लिए तो हम जौ को जो है उगा सकते हैं, ठीक है। जौ को जो है लवणी मृदा में उगा सकते हैं। जैसे ऊसर को जब सुधारा जाता है तो ऊसर को सुधारने के बाद पहले उसकी मेड़बंदी की जाती है, उसके बाद उसमें पानी भरा जाता है, पानी को लीज डाउन कराया जाता है, तो लीज डाउन कराने में जो है साल्ट उसके नीचे चले जाते हैं, उसके बाद उसमें जिप्सम मिला के लीज डाउन कराया जाता है तब भी साल्ट नीचे जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ परसेंट जो है उसमें साल्ट या लवणी मृदा बनी रहती है, लवण बने रहते हैं। तो उन लवणों के नियंत्रण के लिए अब उसमें कोई दूसरी फसल जल्दी जो है बोएंगे, अगर हम जैसे गेहूं बोते हैं या और कोई फसल बोते हैं, आप गोभी बोइए, तो ये फसलें ये हैं कि ये उगेंगी नहीं उस मृदा में, साल्ट का कंसंट्रेशन अधिक है। लेकिन जौ जो क्रॉप होती है वो साल्ट के प्रति टॉलरेंस है, यानी कि अगर आप लवणी मृदा में बो देंगे तो ये अच्छा आपको उत्पादन कुछ ना कुछ देगी। खेत पड़ा रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ धीरे धीरे खेती हो, तो जब खेती होना उसमें शुरू होगा तो माइक्रो ऑर्गन्स की संख्या बढ़नी शुरू होगी, उसमें बैक्टीरिया बढ़ेगा, उसमें फंगस बढ़ेगा, है ना। तो जब बैक्टीरिया वायरस फंगस बढ़ेगा और शैवाल बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गन्स की जब संख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे मृदा जो है ऊसर से कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट होने लगेगी। तो इसलिए जौ का ये भी एक महत्व है। दूसरी ये भी बात है कि कम पानी वाली फसल भी है, कम पानी में हो जाती है। और तीसरा इसका फायदा ये है कि इसमें जो है तासीर इसकी ठंडी होती है। अगर गर्मियों के दिनों में जौ और चना मिला करके खाया जाता है तो इसका जो है बॉडी पे इफेक्ट जो है ठंडा रहता है जौ का, ठीक है। तो इसीलिए जौ को प्राचीन काल से ही उगाया जाता है और भारतीय जो धार्मिक कार्यक्रम है उनमें जौ का बहुत ज्यादा यूज भी होता है। ये माना जाता है कि शायद गेहूं से पहले जौ आया हो, है ना, ऐसा कभी कभी कह दिया गया है धर्म ग्रंथों में, ठीक है। तो जौ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसको हम जो है बार्ले कहते हैं, हॉर्डियम बुल्गेयर नाम से इसको वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए कुछ प्रश्न है इसके जो है कुछ पॉइंट है उन्हीं के विषय में हम बता देते हैं, वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं जौ के विषय में। तो पहला पॉइंट है इसका जौ का, पहला देखिए वैज्ञानिक नाम हॉर्डियम बुल्गेयर होता है, ठीक है, लिखा हुआ है आपके सामने हॉर्डियम बुल्गेयर वैज्ञानिक नाम है जौ का, ठीक है। तो ये जो होती है बुल्गेयर, ये सिक्स रूट बार्ले होती है, ठीक है, इसको कहते हैं सिक्स रो बार्ले, है ना, छह लाइनों वाली सिक्स रो बार्ले, इसको छह लाइनों वाली जौ कहा जाता है, सिक्स रो बार्ले यानी कि छह लाइनों वाली, छह लाइनों वाली जौ, ठीक है, इसी को सिक्स रो बार्ले कहते हैं, छह लाइनों वाली जौ कहा जाता है इसको। अब बात आती है कि कुछ जौ जो होती हैं वो टू रो बार्ले भी होती हैं, जैसे हॉर्डियम डिस्टिकॉन होती है, ठीक है, तो वो टू रो बार्ले होती है। लेकिन आपके में इतना नहीं पूछा जाएगा कौन सिक्स रो है कौन टू रो है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि कहीं आ जाएगा सिक्स रो बार्ले पूछ सकता है कि हॉर्डियम बुल्गेयर क्या है, तो सिक्स रो बार्ले है, ठीक है। फैमिली इसकी क्योंकि ग्रैमिनी कुल का ही है, तो ग्रैमिनी या पोएसी गेहूं के परिकर का पौधा होता है, तो ग्रैमिनी या पोएसी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो ग्रैमिनी या पोएसी इसकी जो है फैमिली है, ठीक है, ग्रैमिनी या पोएसी। अब दूसरी बात इसमें हम करते हैं पोएसी, ठीक है। ओरिजिन प्लेस दक्षिणी पूर्वी एशिया,
का जो जन्म स्थान है वो माना जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया, यानी कि हम इसके जो जन्म स्थान में अगर जाएंगे तो गेहूं से जस्ट विपरीत चले जाएंगे। गेहूं का दक्षिणी पश्चिमी एशिया कहा गया तो जौ का जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया कह दिया गया है ना, यानी कि इसका जन्म स्थान धान के साथ जा रहा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया धान की तरफ जा रहा है। इधर आप देख रहे थे दक्षिणी पश्चिमी एशिया, वो गेहूं का जन्म स्थान था। जौ में आपने देखा दक्षिणी पूर्वी एशिया, यानी कि ये जन्म स्थान हो गया जौ और धान का। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट अगला है जलवायु। तो देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात करेंगे तो ये जो है रबी ऋतु की फसल है, और जब रबी ऋतु की फसल है तो ठंडी जलवायु होगी, होगी 100% जब रबी ऋतु की फसल है। टेम्परेचर आपका वही रहेगा जो रबी ऋतु में रहता है, बुवाई का समय आपका अक्टूबर के महीने में ही रहेगा। और रबी ऋतु में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बुवाई के समय लगभग 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जब कट रही होती है उस समय टेम्परेचर थोड़ा राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और वृद्धि के लिए अगर टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वृद्धि के लिए होगा, क्योंकि रबी ऋतु की फसल है। ठीक है, कैसी फसल है पहले आप मोटा मोटा समझिए, रबी ऋतु की फसल है ना, रबी ऋतु की फसल है, कैसी फसल है, रबी ऋतु की फसल है। ठीक है, जौ रबी ऋतु का पौधा है, इसके लिए ठंडी एवं शुष्क, शुष्क का मतलब सूखी हो ठंड है ना, ज्यादा अगर मॉइस्चर होगा तब इसकी खेती में थोड़ा नुकसान हो सकता है, नमी ना हो, सूखी ठंड पड़े है ना, सूखी ठंड पड़ती है तो इसकी फसल जो है बहुत अच्छी होती है, आवश्यकता होती है। इसकी खेती 9000 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है, यानी कि अगर कहें कि अगर हम कहें कि माउंट एवरेस्ट पर इसकी खेती की जा सकती है जौ की, तो हाँ की जा सकती है, सभी फसलों की नहीं। तभी कहा है कि ये बहुत टॉलरेंट क्राप है, सहिष्णु क्राप है। आप चाहे लबड़ में बो दीजिए, लबड़ हो जमीन में ज्यादा, आप मक्का बोएंगे लबड़ वाली जमीन में तो मक्का नहीं होगी, लेकिन जौ को बो देंगे जौ हो जाएगी। ठीक है, चाहे जितनी ऊंचाई तक ले जाइए मीन सी लेवल से, MSL से। ठीक है, एक होता है MSL मीन सी लेवल है ना, समुद्र तल से ऊंचाई, मीन सी लेवल होता है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तो अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे तो ये जो है 9000 मीटर ऊंचाई तक बोई जा सकती है, यानी कि एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उससे भी ऊंचाई पर इसको हम बो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव सहिष्णु क्राप है ये, सेंसिटिव नहीं है, सहिष्णु है, टॉलरेंस है। ठीक है, और ये जो है लबड़ी मृदा में भी यही पूछा जाता है कि लबड़ी मृदा में कौन फसल बोई जा सकती है, तो जौ बोई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद रबी ऋतु की फसल है, ये तो जानते ही हैं आप। अगला देखेंगे, प्रजातियां देखिए इसकी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। अगला नेक्स्ट है मृदा। तो देखिए मृदा की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो अच्छी जल निकास वाली दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। वैसे तो अगर हम बात करें जौ के लिए तो ये लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सहिष्णु क्राप है, लेकिन अच्छी जल निकास वाली दोमट मृदा जो है इसके लिए उत्तम रहती है। ठीक है, लवड़ प्रभावित भूमियों में भी अच्छी तरीके से उगाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि लवड़ प्रभावित भूमियां अगर जहां पर हैं वहां पर जौ की खेती हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो लवड़ प्रभावित भूमियां जो है वहां पर जौ की खेती जो है 100% की जाती है और इसके उत्पादन भी अच्छे मिले हैं। लवड़ का मतलब कि जहां पर भूमि में नमक की मात्रा अधिक होती है उसी को लवड़ प्रभावित मृदाएं कहा जाता है। ठीक है, तो अगला देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो अच्छी जल निकास वाली दोमट और साथ साथ में लवड़ी मृदा में भी कर सकते हैं। पीएच मान की अगर बात करें तो 6.5 से 7.5 पीएच मान अगर हो तो उसकी खेती जो है सर्वोत्तम खेती अगर इसकी होगी तो 6.5 से 7.5 पीएच मान पर। ठीक है, 6.5 से 7.5 पीएच रेंज पर जो है सबसे उत्तम होगी। लेकिन इसमें ये पीएच रेंज नहीं पूछी जाती है, ना ये पूछी जाती किस प्रकार की मृदा में होती है, इसमें यही पूछा जाता है कि लवड़ प्रभावित भूमियों में इसकी खेती की जाती है कि नहीं की जाती है, तो हम कह देंगे कि हाँ की जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे मृदा के बाद।
देखिए इसकी प्रजातियां, ठीक है, यही यहीं से यहां से भी क्वेश्चन आता है प्रजातियां। वैसे आपके ये सिलेबस में है नहीं, इसीलिए हमने इसको बहुत कम मेंशन भी कराया है, आपके जो सिलेबस है उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है इस फसल को, इसलिए कि हो सकता है पूछ दिया जाए। तो प्रजातियों में आपकी देखिए इसमें आई आर वन प्रजाति इसकी है, विजय है, जागृत है, आजाद है, हरितमा है, अंबर है, किरण है, ज्योति है, करण है, रंजीत है, आजाद के वन पाए गए, ठीक है। इतनी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी है, आई आर वन है, विजय है, जागृत है, आजाद, हरितमा, ठीक है, आजाद हरितमा एक ही प्रजाति है, आजाद हरितमा, ठीक है, ये दोनों जो है मिला के एक है आजाद हरितमा, अंबर है, ज्योति है, किरण है, एक करण नहीं किरण है, रंजीत है, आजाद के 125 है, ये सीएसए से निकाली गई है, आजाद के 125, ठीक है। तो ये प्रजातियां हैं, इसे इनको बहुत ज्यादा पूछा गया है, सभी प्रजातियों को सारी की सारी आपको याद हो जानी चाहिए। आई आर वन है, विजय है, जागृत है, अंबर है, किसान है, विजय है, जागृत है, आजाद हरितमा है, अंबर है, ज्योति है, किरण है, रंजीत है ना, ज्योति किरण रंजीत, देखिए ज्योति मूंगफली की भी है, समझ रहे हैं, मूंगफली की भी बंच टाइप की वैरायटी है ज्योति, हमने बताया था आपको। अब देखिए यही ध्यान रखना है आपको, कौन किसकी है, मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ज्योति आल्सो वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट, पीनट, अर्थनट, है ना, इसी को कहते हैं आल्सो वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट ज्योति, और बंच टाइप की है ये, कैसी है, बंच टाइप की, बंच का मतलब गुच्छेदार, बंच टाइप की है यानी कि गुच्छेदार है, कैसी है, गुच्छेदार प्रजाति है, तो ये बंच टाइप की है ज्योति, आल्सो वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट, बंच टाइप की है, गुच्छेदार प्रजाति है, ठीक है। तो ये प्रजातियां हो गई आई आर वन, विजय, जागृत, आजाद हरितमा, अंबर, ज्योति, किरण, रंजीत और आजाद के 125। इसके बाद बुवाई का समय अगर हम देखते हैं, तो बुवाई के समय में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर हमने बताया था कि रवि सीजन की अगर बात आ जाए, हमने बहुत मोटा कंसेप्ट बताया है कि नवंबर जरूर बीच में आ जाएगा, तो 15 नवंबर से 15 जो है अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसको हम जो है बो देते हैं, ठीक है। प्रजातियां आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, नेक्स्ट है बीजदार समय से बुवाई। अब देखिए सीड रेट की अगर जो इसमें जौ में बात करते हैं, बार्ले में बात करते हैं, तो सीड रेट जो है अगर समय से बुवाई करेंगे तो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बीज दर जो होती है 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अगर वहीं हम देर से बुवाई कर रहे हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर देर से बोने में ज्यादा डाउन हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि जर्मिनेशन परसेंट घट जाता है, जो टेम्परेचर चाहिए वो नहीं से मिल पाता है, तो अंकुरण का जो प्रतिशत होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए जो है इसमें क्या करते हैं, समय से अगर बुवाई करेंगे तो बीज की मात्रा जो है 75 किलो प्रति हेक्टेयर पड़ेगी, अगर लेट सोइंग करेंगे तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज्वार जौ जो है उसकी सीड रेट है 75 किलोग्राम और 100 किलोग्राम, चलिए। और देखिए आज कल आप विशेष ध्यान रखिएगा, कल जो है एग्रीकल्चर का ये जितनी क्रॉपें हमने एग्रोनॉमी की पढ़ाई है, सारी क्रॉपों का टेस्ट होगा, उसमें 100 प्रश्न होंगे, हमने पेपर आपका तैयार कर दिया है, ठीक है। तो जितनी भी क्रॉपें हमने बनाई हैं उन सभी क्रॉपों का पढ़ाई है आपको, है ना, तो सारी की सारी क्रॉपें कायदे से पढ़ के आइएगा, और कल इनका जो है टेस्ट लिया जाएगा आपका, जिस माध्यम से टेस्ट लिया जाता है उसी तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जो है तैयार रहें, कल आपका जो है पेपर मिल जाएगा, है ना, कल हो सकता हम ये क्लास भले ना लें लेकिन टेस्ट जरूर होगा इसी समय, और उसके आंसर भी डाल देंगे, उसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए तो ये देर से बोने वाली जो है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, समय से बुवाई के लिए 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगला देखेंगे, अगला इसमें है असिंचित दशा में 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देखिए असिंचित दशा में, अनइरिगेटेड कंडीशन में,
अन इरिगेटेड कंडीशन, इरिगेटेड कंडीशन, ठीक है, अन इरिगेटेड कंडीशन की अगर बात करते हैं, हम असिंचित दशा की बात करते हैं, तो उसमें हम जो है 80 से 100 किलोग्राम देंगे, ठीक है। अगर टाइमली सोन करेंगे तो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देंगे, थोड़ा लेट कर रहे हैं सोन तो 100 किलोग्राम, असिंचित दशा है तो उसमें भी बीज की मात्रा, क्योंकि सिंचाई की या नमी की कमी के कारण कुछ सीड जो है हमारा वो हो सकता है ना जमे, ठीक है। इसके बाद बात आती है लबड़ वाली भूमियों में, यानी कि साल्ट टाल रहे जो सैलाइन सॉइल होती है, सैलाइन सॉइल्स, तो सैलाइन सॉइल्स में भी हम क्या करेंगे 100 किलोग्राम की, इसकी सैलिनिटी की वजह से है ना, लवणता की वजह से, सैलिनिटी की वजह से कुछ बीज हमारा नहीं जमेगा, जिससे कि हम 75 का आया 80 किलोग्राम डाल लेते हैं, 100 किलोग्राम डाल लेते हैं, जिससे अगर कुछ जमेगा भी नहीं तब भी जो है उस एवरेज में हमारा बीज जम जाएगा। तो इसलिए जो है लवण वाली भूमियों में 100 किलोग्राम, असिंचित दशा में 80 से 100 किलोग्राम बीज हम जो है खेत में डालते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है बीमारी, देखिए इसकी, ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी हम बता दे रहे हैं इसको, ठीक है, इसलिए बता दे रहे हैं कि जो है हो सकता है इसमें, देखिए प्रश्न आएगा अगर तो बीमारी पूछ देता है, वैज्ञानिक नाम पूछ देता है, ओरिजिन प्लेस पूछ देता है ना, और इसके साथ साथ वैरायटियों में से कोई प्रश्न, और किस मृदा में इसको लबड़ी मृदा में उगाया जा सकता है, ये इतना इससे बाहर नहीं सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और वैरायटियां ज्यादा याद रखिए, IR1 है, ज्योति है, अंबर है, किरण है, रंजीत है, आजाद हरितमा है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आजाद के बंटू 5 है ना। और इसके बाद अभी हम कीर्ति, मंजुला, गीता, अंजलि, दितंभरा, रेखा, ये भी बताएंगे, ठीक है, तो आगे ये भी आपको देखने को मिलेंगी। देखिए भूसी रहित जातियां हैं ना, ये भूसी रहित जातियां इनको भी पूछा गया है, इसको डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया है भूसी रहित कौन से है, ये पूछ दिया गया कि कीर्ति किसकी है, गीतांजलि किसकी है, मंजुला, रितंभरा, रेखा, ये सभी किसकी प्रजातियां हैं, कीर्ति, मंजुला, गीतांजलि, रितंभरा, रेखा, ये सभी जो है जौ की भूसी रहित प्रजातियां हैं। कैसी हैं ये जो है जौ की भूसी रहित, कश्मीरा का फूल, भूसी रहित यानी कि भूसी जो है इसमें नहीं निकलती, भूसी जौ की भूसी रहित प्रजातियां हैं, भूसी रहित वैरायटीज प्रजातियां, तो इनमें जो है आपका भूसा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसमें आपकी आएंगी कीर्ति है, मंजुला है, गीतांजलि है, रितंबरा है, रेखा, ठीक है। तो ये भूसी रहित प्रजातियां हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है बिल्कुल से, फायदे से, कीर्ति, मंजुला, गीतांजलि, गीतांजलि देखिए जो है किससे संबंधित है, ये भी आपको होना चाहिए यार, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से गीतांजलि कृति है उनकी, ठीक है। तो कीर्ति, मंजुला, गीतांजलि, रितंभरा, रेखा, ये सब भूसी रहित प्रजातियां हैं। इसके बाद लूज स्मटिस की बीमारी है, जो कि एस्टिलोगो न्यूटा टेटिसाई के कारण होती है, बस इतना ही पूछा जाता है ना। और लूज स्मट के नियंत्रण के लिए आप जानते ही हैं कि सीड बॉर्न डिजीज है, तो सीड बॉर्न के नियंत्रण के लिए हम जो है क्या करेंगे, सीड बॉर्न के नियंत्रण के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे है ना, बावस्टीन से, ठीक, बावस्टीन से सीड ट्रीटमेंट करेंगे या बिटावैक्स से सीड ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे कि लूज स्मट का खतरा जो है कम हो जाता है, या फिर 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को उबाल देंगे, उसमें बीज डाल देंगे, तो भी लूज स्पॉट का खतरा हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। और ये लूज स्पॉट जो होता है वो एस्टिलोगो न्यूडा टेटिसाई के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, एस्टिलोगो न्यूडा टेटिसाई के कारण होता है, तो ये आपको याद रखना है, लूज स्पॉट जो होता है किसके कारण होता है, एस्टिलोगो है, ये एस्टी थोड़ा यहाँ पर सही कर दीजिएगा, एस्टिलोगो, एस्टिलोगो न्यूडा टेटिसाई, न्यूडा टेटिसाई है ना, एस्टिलोगो न्यूडा टेटिसाई, ये एस्टिलोगो न्यूडा टेटिसाई है ना, अभी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद उपज जो है, उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, देखिए दाना है ये भी, ठीक है, तो 30-35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका जो है प्रोडक्शन होता है, एस्टिलोगो न्यूडा टेटिसाई,
ठीक है। तो ये इसका क्या है, लूज स्मट बीमारी है, किसकी है, जौ की लूज स्मट बीमारी है। और इसका जो है कारक कवक है, उस कवक का नाम है एस्टिलिगोन्यूडाटिसाइड। ये सीड बार्न जो है डिजीज है, तो सीड बार्न डिजीज होने के नाते इसका हम सीड ट्रीटमेंट कर देंगे, और एज वेल एज इसको हम जो है पानी में 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर देंगे, जिससे कि इसका नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, भूसे रहित प्रजातियों की अगर हम विद्यार्थियों बात करते हैं, तो भूसे रहित प्रजातियों में हमारी आती है, आपके सामने लिखी है, कीर्ति, मंजुला, गीतांजलि, रितंबरा और रेखा। ठीक है, उत्पादन 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीबन होता है। तो ये हमारी जौ की बात थी। अगली हमारी जो क्रॉप है वो हमारी क्रॉप है सूरजमुखी, सनफ्लावर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो सूरजमुखी के विषय में हम देखेंगे, पहले हम आपको बता देते हैं सूरजमुखी के विषय में कि सूरजमुखी का यूज जो है बेसिकली ऑयल के लिए किया जाता है, तेल के लिए किया जाता है, और कर्नाटक में इसकी खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कर्नाटक में इसकी खेती भी बहुत ज्यादा होती है, और इसका जो है उपयोग ऑयल पर्पस से किया जाता है। और भारत में ये जो है सूरजमुखी जिसको आप देख रहे हैं, ये वैसे भारत का मेन ग्रेन नहीं है, है ना, ये जो है आया है आपका अमेरिका से, मैक्सिको से। ठीक है, मैक्सिको अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका कह दें, वहां से भारत आई है सूरजमुखी। और सूरजमुखी में तेल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और इस तेल में एक खासियत होती है कि लिनोलिक एसिड जो होता है वो अत्यधिक पाया जाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता है सूरजमुखी का तेल। तो कहें हम कि हार्ट पेशेंट के लिए अति उत्तम होता है ना, क्यों, क्योंकि हार्ट पेशेंट में एक ही समस्या होती है कि जब हार्ट सर्दियों में जो है खून जो है गाढ़ा हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, और अगर किसी आर्टरी से धमनी से वो थक्का जो है खून का प्रवेश न कर पाया तो उसे हार्ट अटैक आने का खतरा हो जाता है, उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। तो सूरजमुखी का तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने की वजह से क्या होगा, वो जो है उसका हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं ऑयल की वजह से वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सूरजमुखी हो गई आपकी, इसीलिए इसको जो है ग्रो किया जाता है। फ्लावर बहुत बड़ा होता है, डे न्यूट्रल प्लांट है, है ना, डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी कि दिन का इसके ऊपर, दिवस का कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं आपकी सूरजमुखी की खेती भी, है ना। तो दोनों की दोनों क्रापे आज जो है आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए वनस्पतिक नाम में अगर हम देखेंगे तो हेलियंथस एनस एनुअस कहा जाता है, हेलियंथस एनुअस वनस्पतिक नाम है सूरजमुखी का। फैमिली इसकी देखिए, इसकी फैमिली का पुराना नाम जो है वो है कंपोजिटी, और नया नाम जो है वो है एस्टेरेसी, है ना, नया नाम इसका है एस्टेरेसी, पुराना नाम है कंपोजिटी। एस्टेरेसी और कंपोजिटी दोनों आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, कंपोजिटी भी लिख सकता है, एस्टेरेसी भी लिख सकता है। गुण सूत्रों की संख्या जो होती है सूरजमुखी की वो 34 होती है। ठीक है, हेलियंथस एनुअस दिखा देते हैं आपको पौधा। देखिए ज्वार, जौ भी कुछ लोगों ने हो सकता है ना देखी हो, तो बार्ली भी दिखाएंगे, और जो है कुछ लोगों ने हो सकता है बार्ले ना देखी। देखिए बार्ले का गेहूं की तरह ही प्लांट होता है, थोड़ा उसमें जो है बालियां जो होती हैं उसमें जो ऑन्स होते हैं वो ज्यादा लंबे लंबे लगे होते हैं, ये देखिए इस तरीके की होती है बार्ले। ठीक है, और कुछ भूसी रहित भी प्रजातियां थी, तो उनमें ये जो है बाहर जो है लेमा पीलिया वगैरह जो है नहीं लगे होंगे, तो इससे जो है भूसा नहीं बनेगा जो जौ में। ठीक है, तो ये देखिए जौ है आपकी, इस तरीके की वाली होती है, इसमें जो है आगे जो सीकुर होता है, सीकुर ज्यादा निकला होता है, और वहीं गेहूं में सीकुर जो होता है वो कम निकला होता है, यही अंतर है जौ में। और आप बाहर से अगर देखें वैसे तो बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अगर आप बाहर से बाली देखेंगे तो बाली दोनों की एक ही तरीके की दिख रही, लेकिन इसमें सीकुरों की संख्या क्या है, सीकुर जो है ये देखिए, ये सीकुर जो है ये ज्यादा है, कौन ज्यादा है, सीकुर। और अगर हम इसमें बात करें सीकुर अधिक है, और अगर यहीं पर बात करें गेहूं में सीकुर जो होते हैं वो कुछ कम होते हैं इसकी अपेक्षा,
तो ज्यों में सीकोरों की संख्या अधिक होती है, लेकिन कुछ वैरायटियां ऐसी भी ज्यों की हैं जो सीकोर रहित हैं। और ज्यों का भूसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यों का भूसा पशु बहुत चाव से खाते हैं, अपेक्षाकृत गेहूं के भूसे से ज्यादा अच्छा पशुओं को ज्यों का भूसा लगता है। और ये गर्मी के दिनों में पशु के दुग्ध उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि ये ठंडा होता है, जौ का भूसा भी ठंडा होता है और पशुओं में ठंडक प्रदान करता है, जिसकी वजह से दुग्ध उत्पादन में कमी नहीं आती है। ठीक है, तो जौ का भूसा भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ साथ में इसका सीड है वो भी ठंडक प्रदान करता है। इसके और चना के दोनों के भून के मिला के सतुआ बनाया जाता है, सत्तू जिसे कहा जाता है ना। जौ का सत्तू गर्मियों के दिनों में बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई जौ। और अगली हम दिखाना चाहते थे आपको सनफ्लावर सूरमुखी। ये देखिए सीरियल्स है, अगला हम आई सी में देखेंगे सनफ्लावर, सनफ्लावर सूरमुखी। ठीक है, पहले इसकी एक बार इंडिया में खेती बहुत तेजी से हुई, अब कुछ जो है इसकी खेती में कमी आई है। ये देखिए इस तरीके का प्लांट होता है सनफ्लावर। ये सनफ्लावर आईसी क्रॉप है, ये देखिए इस तरीके से सनफ्लावर होती है। तो ये देखिए फूल है, इसके आसपास ये पीले पीले रंग के कोरोला लगे हैं। ठीक है, ये कोरोला है, इसके पास जो है ये अंदर जो है सीड का फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। इसमें थोड़ी समस्या ये रहती है कि इसमें चिड़ियां ज्यादा लगती हैं। अगर सूरजमुखी की खेती हम करते हैं तो जब ये पकने लगती है तो अंदर जो सीड होता है उस सीड को खाने के लिए जो है बर्ड्स ज्यादा आती हैं, तो बर्ड्स से इसकी सुरक्षा करनी पड़ती है चिड़ियों से। और इसका जो फ्लावर होता है वो सनलाइट की दिशा में ही घूमता है, डे न्यूट्रल होता है ना। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है निम्नलिखित में से डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है, तो वो है आपका सनफ्लावर सूरमुखी। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए वाटर रिक्वायरमेंट इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, इसी वजह से ज्यादातर क्षेत्रों में खेती इसकी नहीं की जा सकती है, क्योंकि पानी की मांग अधिक होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पौधा एकदम से बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए उत्पत्ति स्थान की अगर बात करते हैं तो वानस्पतिक नाम हो गया। ठीक है, उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, हमने आपको बताया है कि 1970 में भारत में आया था। ये कब आया? 1970 में। इससे पहले भारत में सूरमुखी का नाम ही नहीं था। ठीक है, और 1970 में आया कहां से? पश्चिमी केंद्रीय अमेरिका, यानी कि जो है साउथ वेस्ट सेंट्रल अमेरिका, पश्चिमी केंद्रीय अमेरिका, वेस्ट सेंट्रल अमेरिका, या हम कह दें मोटा मोटा मध्य अमेरिका, ज्यादा कहने की आवश्यकता अगर ना सोचे समझे तो मध्य अमेरिका या मैक्सिको। ठीक है, मध्य अमेरिका भी कह सकते हैं आप इसको, अगर मध्य अमेरिका भी लिखा आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मध्य अमेरिका इसी को कहते हैं, मध्य अमेरिका या मैक्सिको इसका जन्म स्थान है। ठीक है, मध्य अमेरिका या मैक्सिको इसी को कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है अगली कि भारत में इसकी खेती 1970 के आसपास की जाने लगी। इसके बीज में उच्च कोटि का 40-45% तेल पाया जाता है। इसके तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा 71% होती है, इसका इसके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ने पाती। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 1970 के करीबन भारत में ये आया था सूरजमुखी, और इसके तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा जो है अत्यधिक पाई जाती है 71%, और टोटल आयल जो होता है इसमें 40-45% आयल कंटेंट होता है, तेल की मात्रा होती है, और 71% इसमें क्या होता है लिनोलिक एसिड। और ये लिनोलिक एसिड जो होता है सूर्यमुखी में वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को शरीर में कम करता है, यानी कि हृदय रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम। अगर हम कहें हृदय रोगियों के लिए, हृदय रोगियों के लिए उत्तम। ठीक है, क्यों उत्तम है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता है, बढ़ने पाती है
शरीर में, है ना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। और डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करते करते पूरा जो है कार्डियोलॉजी खोल बैठते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, पूरे के पूरे भारत में कार्डियोलॉजी बना के धर दिए, कहा कि हम जो है तुम्हारा हार्ट अटैक अगर हुआ तो हम तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे। अरे इससे अच्छा है कि हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ऐसी चीजें ही खा लो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़े ना, तो काहे कार्डियोलॉजी में जाना पड़ेगा, है ना। और उन्होंने देखिए उसी की वजह से पूरा यंत्र यंत्र तैयार करके, कहीं ये कहीं वो पूरा बना के जो है तैयार कर दिया। बाबा रे वो रामदेव ने कोई ज्यादा गलत कहा नहीं वैसे, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि कंट्रोल हो सकता है अगर मनुष्य चाहे, है ना, उसी का जो है अप्रत्यक्ष रूप बना के खड़ा कर दिया कि हाँ हम जो है बिल्कुल अमृत वाहिनी पिला देंगे, ये कर देंगे। अब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो लोग गोलियां खाते हैं, कैल्शियम की भी गोलियां चलने लगी, बताइए। अब कैल्शियम की गोली खाने से क्या फायदा, पहले मनुष्य जो है स्कूल पढ़ने जाता तो बच्चा कमी नहीं होती, खड़िया खा लेता था, बच्चे जो है छोटे छोटे गोल वाली खड़िया आती थी वो खा लेते थे, कैल्शियम कमी हो जाए, है ना। तो दूध पीते थे, अब ये जो है नेचुरल सोर्स है। आप गोली खाते रहिए, आपका कहीं शरीर में अगर दर्द है तो बहुत कमी है जो बंद हो जाए गोली खाने से, वो प्रभाव नहीं पड़ता है जो कि नेचुरल चीजों से चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो वो कैल्शियम नहीं मिल पाएगी आपको, जो कि आप जो है एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से कैल्शियम लेना चाह रहे, बूस्टर डोज उनका दे दिया जाता है बना बनाने, ठीक है। और ये अगर आप करते रहे, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल खाइए सूरजमुखी का, कोलेस्ट्रॉल है नहीं, आपको जो है अटैक की समस्या कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता है शरीर में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा। सर्दियों में और समस्या आ जाती है जो हार्ट अटैक के रोगी होते हैं, क्योंकि उनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है और वो किसी धमनी से जो है पास नहीं हो सकता है कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाने की वजह से, तो उसी समय जो है वो तो उनका जो है काम हो जाता है, ठीक है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करें आप, जो है कोलेस्ट्रॉल रहित जो है ऑयल अब सूरजमुखी का होता है, लिनोलिक एसिड जो है 71% पाया जाता है, पूछा भी जाता है परीक्षाओं में कितना परसेंट लिनोलिनिक अम्ल पाया जाता है, तो आपका 71% लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और 40-50% या 45% के करीबन टोटल ऑयल कंटेंट होता है, और 1970 में इसकी खेती भारत में होना शुरू हुई, यानी कि आज से अगर हम बात करें तो 51 वर्ष, ठीक है, बहुत ज्यादा पहले नहीं, 51 वर्ष पहले आज से जो है इसकी खेती होना प्रारंभ हुई, 50-51 वर्ष पहले, ठीक है। इससे पहले ये सूरजमुखी दिखाई नहीं दी थी इंडिया में। चलिए अब इसकी खेती हमने बताया कहीं कहीं कम हो रही है, उसका कारण है कि अधिक वाटर रिक्वायरमेंट है इसकी, पानी की जो है मांग अधिक होने की वजह से किसान जो है इसे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मार्केट भी अच्छे उपलब्ध नहीं, बाजारों की भी कमी है, सूरजमुखी कहाँ बेचेंगे अगर कर भी लेंगे, ठीक है। तो ये भी है कि मार्केट अगर सही उपलब्ध हो तो इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है, अच्छी इनकम भी होती है। इसके बाद 71% देखिए लिनोलिक अम्ल अधिक होने के कारण इसका तेल उच्च रक्तचाप व हृदय रोगियों के लिए उत्तम। देखिए ये जब लिनोलिक अम्ल की मात्रा बॉडी में बढ़ती है तो रक्तचाप जो है ब्लड का प्रेशर है उसको बढ़ाता है हल्का सा, जिससे कि अगर आप देखिए दौड़ लगाइए, दौड़ में क्या होता है रक्त का चाप बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, जो है आपका जहां थोड़ी बहुत नसें ब्लॉकेज वगैरह हो रही होंगी वहां से ब्लड बहुत तेजी से ऊपर से जाएगा, और जो आपके शरीर में छुपी हुई ऊर्जा थी वो सारी की सारी ऊर्जा जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत तेज हो जाएगी, उपापचयन क्रिया बहुत तेज होगी, और आपकी सेल्स के अंदर जमा हुआ जो भी मटेरियल है ना, तो पानी के साथ माध्यम से जो कोलेस्ट्रॉल जमा है या फैट जमा है वो सब सेल से बाहर जाएगा, है ना। तो सेल से जब बाहर जाएगा वही पसीने के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये रक्तचाप बढ़ाने का भी कार्य करता है जो लिनोलिक अम्ल है, और जब रक्तचाप बढ़ाएगा तो साधारण सी बात है कि आपको जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं बॉडी में ज्यादा बढ़ने देगा, ठीक है। तो इसीलिए रक्तचाप बढ़ाता है, हृदय रोगियों के लिए उत्तम है। इसके बाद बात करते हैं सूरजमुखी का तेल विटामिन ए डी ई तीनों का अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का भी, विटामिन डी का भी और विटामिन ई का भी, तीनों विटामिन का उत्तम स्रोत है इसका तेल, सूरजमुखी का तेल। तो सूरजमुखी का तेल वास्तव में एक अच्छा तेल है, ठीक है।
तो इसका यूज करना भी चाहिए, लेकिन बेसिक टिप परपस से किया भी जाता है। अभी तक तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें, तो ज्यादातर जो है सरसों का तेल यूज किया जाता है, और अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो कोकोनट ऑयल का सब्जी बनाने में प्रयोग किया जाता है, नारियल के तेल। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका इसी में है, इसके बीज में 40-45% तेल पाया जाता है, इसके रिफाइंड तेल, इससे रिफाइंड तेल या सोया रिफाइंड तथा वनस्पति घी बनाया जाता है। ठीक है, इसका रिफाइंड करके क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी या सोया तेल भी बनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रिफाइंड करके क्या क्या बनाया जाता है। इसके बाद इसकी खली पशुओं के लिए उत्तम होती है, ठीक है, जैसे सरसों की खली है ना, खली किसकी किसकी बनेगी, सरसों की खली होगी, सूरजमुखी की खली होगी, सरसों की खली होगी। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी कुसुम की भी खली होती है, मूंगफली की, मतलब जिसमें जिसमें तेल निकलता है, कुसुम की खली, मूंगफली की खली है ना, जिसमें जिसमें तेल निकल रहा है, सबकी खलियां जो है पशुओं के लिए उत्तम है। क्यों उत्तम है, खलियों में कुछ ना कुछ ऑयल परसेंट बच जाता है। ऐसा नहीं कि हमने अगर मशीन स्पेलर में डाला इसको सूरजमुखी को तो सारा का सारा तेल निकल जाए, नहीं, पूरा तेल नहीं, कुछ तेल बचेगा, वो हमारा पशु खाएगा, उसके दुग्ध में जो फैट आ रही है वो यहीं से आएगी। अब देखिए वो फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पशु के शरीर से जो आ रही है वो सूरजमुखी के तेल की फैट है, समझ लीजिए। लिनोलिक अम्ल, जो लिनोलिक अम्ल है वो पशु के शरीर से होता हुआ, दुग्ध में होता हुआ हमें भी प्राप्त हो जाएगा, समझिए कितनी अच्छी बात है कि पशु में भी रिफाइंड होके आ रहा है वो हमारे पास तक। इसीलिए पशुओं को कुसुम की खली, सूरजमुखी की खली है ना, मूंगफली की खली और बहुत सारी चीजें जो खिलानी चाहिए, जिससे कि हमें विभिन्न प्रकार के जो है विटामिन और रिसोर्सेज मिल सके। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, विश्व का 66% सूरजमुखी सिर्फ सोवियत संघ में उगाया जाता है। सोवियत संघ का मतलब है, देखिए अब इसमें कुछ लोग संयुक्त अरब अमेरिका अमीरात नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है, ये सोवियत संघ है, जिसको हम कहते हैं रूस। क्या कहते हैं इसको, सोवियत संघ है, इसी को हम कहते हैं रूस। ठीक है, रूस में इसको जो है 66% तक उगाया जाता है। और देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी बताई गई है, तो रूस वालों के इसकी आवश्यकता भी है। कैसे बताते हैं, देखिए सर्दी पड़ती है ज्यादा, ठीक है, रूस में क्या होता है, सर्दी पड़ती है ज्यादा, ब्लड जो होता है जमने लगता है आदमी का, अगर सर्दी ज्यादा सर्दी में रहेंगे तो खून जाम हो जाता है, हाथ पैर उठते नहीं। अगर सोया इसका सूरजमुखी का तेल नहीं खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और बढ़ जाएगी, रक्तचाप और कम हो जाएगा, बेचारे जी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए सूरजमुखी करते हैं और जो है उसी का तेल यूज करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर का रक्तचाप जो है वो बना रहे, बढ़ा रहे, और उसके बाद क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी शरीर में ज्यादा ना। ठीक है, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं, इसकी खेती वहां की जाती है। नेक्स्ट है, सूरजमुखी की फसल पर सूर्य के प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता, इसके कारण इसको जो है सफलतापूर्व इसको वर्ष भर उगाया जा सकता है, इसीलिए इसको डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है। देखिए प्लांट दो तरीके के होते हैं, तो शॉर्ट डे होता है, तीन तरीके के, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल, ठीक है ना। एक होता है शॉर्ट डे, शॉर्ट डे, दूसरा होता है लॉन्ग डे, और तीसरा होता है डे न्यूट्रल। ठीक है, तीन तरीके के हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। ऐसे पौधे जिनकी पकने के समय जिन्हें छोटे दिनों की आवश्यकता होती है, दिस इज नॉन ए शॉर्ट डे प्लांट। खरीफ ऋतु के सारे पौधे लगभग शॉर्ट डे प्लांट,
जिन पौधों को पकने के समय लंबे दिनों की आवश्यकता होती है, दिस इज नोन एज लॉन्ग डे प्लांट। जैसे रबी ऋतु के पौधे जब पकने जाते हैं तो लंबे दिनों की आवश्यकता है। जिन पौधों के ऊपर दिनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे छोटा हो दिन या बड़ा हो दिन, तो उसे हम क्या कहेंगे? डे न्यूट्रल प्लांट। क्या कहेंगे? डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि दिन का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि पूरी वर्ष, है ना, क्या बताएं हम, पूरे वर्ष इसकी खेती कर सकते हैं, पूरे वर्ष, ठीक है, किसी भी सीजन में। इसकी खेती के लिए कोई ये नहीं है कि हम रबी में करें या खरीफ में करें, इसीलिए इसको लिखा जाता है फोटो पीरियोडिक का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है, यानी कि प्रकाश की अवधि का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला देखेंगे, फिर भी वर्षा ऋतु वाली फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए उत्तम रहती है, ठीक है, जिसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच हो, है ना। इसकी खेती के लिए मृदा अगर बात करें तो दोमट मृदा उत्तम रहती है, जिसका पीएच मान जो होता है वो 6.5 से 7.5 की पीएच रेंज के बीच में इसकी खेती हम अच्छे से कर सकते हैं। मृदा कैसी होनी चाहिए? दोमट और अच्छा जल निकास होना चाहिए, यानी कि वाटर उस मृदा में जो है पानी ना भरे, ठीक है, क्या ना हो, पानी जो है भरे नहीं, पानी भरे नहीं, ठीक है। तो उसी को जो है हम क्या करेंगे, अच्छे जल निकास वाली जो है दोमट मृदा का इसमें प्रयोग करेंगे। इसकी पीएच रेंज जो होती है 6.5 से 7.5 के बीच में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जो है हम देख लेंगे। अगला है संकुल। देखिए प्रजातियों की अगर बात करते हैं, वैराइटीज की बात करते हैं, तो एक है संकुल सूरजमुखी, एक है संकर सूरजमुखी, ठीक है। तो संकुल जो होती है वो कंपोजिट होती है और संकर जो होती है वो हाइब्रिड। संकुल जिसको कहते हैं हम वो होती है कंपोजिट, और संकर जो होती है वो कहलाती है हाइब्रिड। तो कंपोजिट और हाइब्रिड में अंतर ये होता है कि कंपोजिट वैरायटियां जो है वो देसी से थोड़ा उत्तम क्वालिटी की हैं और संकर से थोड़ा निम्न क्वालिटी की हैं, यानी कि ये जो है ड्यू टू सिलेक्शन किससे निकाली गई है, सिलेक्शन से निकाली गई। ये जो प्रजातियां होती हैं सिलेक्शन से निकाली गई हैं, और ये हाइब्रिड जो संकर होती हैं, हाइब्रिड जिन्हें हम कहते हैं, ये क्रॉस से निकाली जाती है, बस इतना ही अंतर होता है, ये क्रॉस से निकाली जाती है, यही संकर और संकुल में अंतर है। जो संकुल प्रजातियां हैं वो सिलेक्शन से निकाली जाती हैं, जैसे मास सिलेक्शन, बल्क सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, ये सब क्या है, सिलेक्शन के मेथड है। अब देखिए सिलेक्शन करते कहते हैं कैसे हैं, जैसे हमें तुम लोगों का सिलेक्शन करना, क्या तुम लोग कहते हो सिलेक्शन पा लिया, तो सिलेक्शन कैसे पाओगे, 20,000 फार्म पड़े मान लीजिए, अब हमने उसमें एक पेपर करा लिया, जिसके नंबर ज्यादा आए वही सिलेक्शन पा गया। मिलिट्री में क्या हुआ, अब इसमें आपके दिमाग के अनुसार, ये नहीं हमने देखा तुम टूटे हो फटे हो लिंगड़े हो अंधे हो कैसे हो, सब खत्म, तुमने पेपर सही किया, यू आर सिलेक्टेड, आपको केवल हमने पेपर के अनुसार सिलेक्ट किया। मिलिट्री में जो सिलेक्शन होगा वो जीनोटिपिकली सिलेक्शन नहीं है, अंदर नहीं देखें तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है, गोबर भरा है, ठीक है कोई बात, पहली बात देखें वो फेनोटिकली सिलेक्शन शुरू करते हैं, यानी कि बाह्य दशा तुम्हारी पहले देखेंगे, तुम लंबे हो पहले, सबसे पहले देखेंगे 1.70 की लंबाई, 1.70 सेंटीमीटर की पूर्ण कर रहे हो, पढ़ाई से नहीं अभी मतलब है, उसके बाद तुम्हारी दौड़ है, उसके बाद और बहुत सारी चीजें, कहीं टूटे फटे तो नहीं हो, है ना, सही शरीर है, ये फेनोटिकली सिलेक्शन हो गया। और जीनोटिपिकली सिलेक्शन होता है आपकी परीक्षा में, PCS, IAS की परीक्षा में, उसमें नहीं देखा जाता है तुम लंबे हो छोटे हो नाटे हो बौने हो, कुछ नहीं, क्या है क्या नहीं उससे नहीं मतलब है, उनका केवल मतलब है कि हमने जो परीक्षा ली उसमें आप पास हो गए, यू आर परफेक्ट, दिस इज अ जीनोटाइप ऑफ सिलेक्शन। और जो बाहरी आकार से देख रहे हैं उसको फिनोटिपिकली सिलेक्शन कहते हैं। अब ये सिलेक्शन जो है ये हम देखेंगे केवल बाहरी तौर से ज्यादा था, फिनोटाइपिक करेक्टर्स लेते हैं, जैसे एक फील्ड में हमने क्या किया, बहुत सारे पौधे लगा दिए इस तरीके से, बहुत सारी लाइनें लगा दी,
एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, चार पांच लाइनें हमने जो उसमें लगा दी। अब इसमें हमने लाइनों में देखा ये कि कौन सी लाइन का या कौन पौधे समान लंबाई के, जो समान लंबाई के थे पौधे उनको हमने काट के अलग बांध दिया, जो छोटे थे, जो मीडियम लंबे थे, हाई लंबे थे या छोटे थे, उन सभी को काट काट के अलग अलग उनके ढेर बना दिए। अब फिर उसके बाद देखेंगे किसका बीज पतला है, किसका बीज मोटा है, उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से सिलेक्शन कर करके उनको अलग कर दिया गया, दिस इज नोन एज संकुल। और हाइब्रिड में एक वैरायटी का दूसरी वैरायटी के साथ क्रॉस कराया गया, और क्रॉस में अगर अच्छी वैरायटी मिल गई, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड। तो संकुल में इसकी प्रजातियां है मॉडर्न, सूर्या और पैरट अवेक, ये संकुल है। मॉडर्न देखिए मटर भी आती है, बच्चे जो है खूब नमकीन खाते हैं मटर, मॉडर्न सूर्या पैरट अवेक। इसके बाद संकर है जो ज्वालामुखी, KBSH1, SH3322, दिव्यामुखी, BSH7 और लक्ष्मी, ये जो है संकर प्रजातियां, ठीक है। ज्वालामुखी है, KBSH1 है, SH3322 है, दिव्यामुखी है, इसके साथ BSH7 है, लक्ष्मी है, ये हाइब्रिड है। और मॉडर्न सूर्या और पराडाविक जो है ये कैसी प्रजातियां हैं, ये संकुल प्रजातियां, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है खरीफ। अब देखिए बुवाई इसकी खरीफ और रबी और जायद तीनों में कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि डी न्यूट्रल प्लांट है, यानी कि इसके ऊपर दिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्रूटो पीरियोडिक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तीनों सीजनों में इसको बो सकते हैं। जून जुलाई में भी बो देंगे तो 100 से 120 10 दिन की फसल है, अगर रबी में बोएंगे तो अक्टूबर नवंबर में 120 से 130 दिन की। देखिए गर्मी जितना होगा, गर्मी जितनी पड़ेगी उतना ही पौधा जो है फास्ट ग्रोथ करता है, गर्मी अगर पड़ती है, और सर्दी पड़ती है तो पौधे की ग्रोथ जो है थोड़ी डाउन हो जाती है, ठीक है। गर्मी में ग्रोथ जो होती है वो तेज रहती है पौधे की। आपने देखा होगा कि जब नर्सरी होती है, नर्सरी में देखना पॉलीथिने जो होती हैं जिनमें पौधे लगाए जाते हैं, उनका रंग काला ही क्यों रखा जाता है, पीला क्यों नहीं रखा जाता, इसका कभी सोचने का प्रयास किया किसी ने कि पॉलीथिन जो नर्सरी में रहती हैं छोटी छोटी, उनका रंग काला ही क्यों होता है? बेटा उनका रंग इसीलिए काला होता है कि जब जर्मिनेशन होगा पौधे का तो उसे सामान्य टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसकी वृद्धि तेज है ना, वृद्धि तेज हो। और काली पॉलीथिन आप जानते ही होंगे कि प्रकाश को एक्सेप्ट अपेक्षाकृत और रंगों से ज्यादा करती है, तो गर्मी बढ़ाती है उसमें, जब गर्मी बढ़ाएगी तो स्प्राउटिंग तेज होगी, यानी कि उसका जमाव तेज होगा और अच्छा होगा, इसीलिए काली पन्नी, नहीं तो उन्हें शौक नहीं है काली पन्नी रखने का, पीली भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने बताया, देखिए टाइम जो है कम हो गया, रबी का देखिए बढ़ गया 120 से 130 हो गया, इसका कम था क्योंकि गर्मी थी, गर्मी में तेज होती है फसल, और सर्दी में जो है फसल की ग्रोथ जो है शुरू होती है, इसीलिए गेहूं टाइम ज्यादा लेता है। आगे देखें, अगला है जायद या बसंत इसको कहते हैं, तो फरवरी मार्च में ये देखिए 90 से 95 और तेज हो जाएगी, क्योंकि गर्मी और तेज बढ़ेगी इसमें, तो इसमें जो है और तेज फसल 90 से 95 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं बीज दर की, सीड रेट की। सीड रेट की इसकी बुवाई के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 किलोग्राम बीज में 3 ग्राम दवा मिलानी चाहिए, दवा का मतलब समझ रहे हैं आप, ट्रीटेड करना चाहिए, बीटावैक्स। सीड ट्रीटमेंट के लिए बता रहा है, बीटावैक्स मिला देंगे, ठीक है। तो 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर जो है उपयुक्त रहता है, और 1 किलोग्राम बीज में जो है 3 ग्राम दवा, यानी कि 1 किलोग्राम में बीटावैक्स अगर हम मिलाएंगे 3 ग्राम के हिसाब से, इसमें जो है सीड को ट्रीटेड कर देंगे। और ऊपर आपका लिखा हुआ है जायद में जो है 90 से 95 दिन में फरवरी मार्च में ये फसल जो है तैयार हो जाती है। अगला है बोने की विधि तथा दूरी, ठीक है। तो बोने की विधि, सूरजमुखी को हमेशा कतारों में लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, और कतार से कतार की दूरी देखिए इस तरीके से, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये वाली,
और पौध से पौध की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसीलिए इसमें थिनिंग की जाती है। एक पॉइंट भी आएगा इसमें, प्लांट टू प्लांट की दूरी जो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर और रो टू रो की दूरी होती है 40 सेंटीमीटर के करीबन, इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, थिनिंग की जाती है। थिनिंग का मतलब होता है कि जब हमारी सूरजमुखी 15 से 20 दिन की हो जाती है, कितने दिन की हो जाती है, 15 से 20 दिन की जब हमारी सूरजमुखी हो जाती है तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि पौधे जो है बराबर दूरी पर हैं या नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे पौधे बराबर दूरी पर हैं या नहीं है। तो अगर हमारी 15 से 20 दिन की फसल है और उसमें अगर पौधे बराबर दूरी पर 40 और 20 गुणे 25 पे नहीं है तो हम उनको उखाड़ उखाड़ के दूर दूर कर देंगे, तो ये कहलाती है हमारी थिनिंग। ठीक है, क्या कहलाती है, थिनिंग कहलाती है। तो ये 15 से 20 दिन की अवस्था पर इसमें करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे खाद एवं उर्वरक, ठीक है, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसका अध्ययन उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर 80 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन है, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम जो है पोटास है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 80:60:40। ठीक है, तो 80 किलोग्राम जो है आपकी नाइट्रोजन है, 60 किलोग्राम फास्फोरस है और 40 किलोग्राम आपकी जो है पोटास है। तो 80:60:40 हो गया खाद एवं उर्वरक के लिए ये स्थिति रहती है। ठीक है, सूरजमुखी, ठीक है, 80:60:40। चलिए आप देखिए अगला है खरपतवार नियंत्रण। देखिए सूरजमुखी में खरपतवार नियंत्रण के लिए हम पेंडामेथिलीन या इसी को स्टाम्प कहते हैं, ये प्री इमरजेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। 30 लीटर मात्रा 600 से 800 बुवाई के 2 से 3 दिन बाद अंकुरण से पूर्व, है ना, तो प्री इमरजेंसी हुआ अंकुरण से पूर्व, यही है अंकुरण से पूर्व, यानी कि इसको कह सकते हैं प्री इमरजेंस, प्री इमरजेंस, अंकुरण से पूर्व जो है इसको हम खरपतवार के पहले जो है निकलने के डाल देते हैं, तो ये पेंडामेथिलीन या स्टाम्प का प्रयोग इस पे किया जाता है प्री इमरजेंस के रूप में। ठीक है, तो पेंडामेथिलीन या स्टाम्प का जो है प्री इमरजेंस के रूप में 30 EC 3.3 यानी कि लगभग 3 लीटर और 300 ग्राम, है ना, के करीबन जो है पेंडामेथिलीन को जो है बुवाई के बाद और अंकुरण से पहले जो है स्प्रे किया जाता है, जिससे कि हमारा खरपतवार खेत में जो है वो नहीं हुए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे की स्थिति विद्यार्थियों। उसमें हमने थिनिंग के विषय में बताया था, छटाई, तो हमने बताया था कि जब अंकुरण के 15-20 दिन बाद एक स्थान पर एक से अधिक पौधे उगे हों तो फालतू पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। छटाई का कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक कतार से कतार की दूरी जो है 20 से 22 25 सेंटीमीटर के करीबन हो। ठीक है, तो थिनिंग हमने बताया था 15 से 20 दिन के बाद करनी चाहिए और उसमें जो है 20 से 25 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसको मेंटेन कर लेना चाहिए, इसी को हम कहते हैं थिनिंग। ठीक है, ये इसमें जो है सूरजमुखी में थिनिंग की जाती है सरसों के तरीके से, जैसे सरसों में भी थिनिंग की जाती है, अगर ज्यादा पास पास में बोई गई है सरसों तो उसको थोड़ा थिनिंग कर देते हैं तो बढ़िया जो है स्पेसिंग मेंटेन हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है सूरजमुखी में भी थिनिंग करते हैं।